बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आतंकवाद के निशाने के बाहर है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी आतंकवाद के हमले से बच नहीं पाया। तारीख गवाह है कि अब तक हुए हर एक विस्फोट के पीछे आतंकवाद फैलाने वालों का मकसद चाहे जो भी हो, निशाना हर बार आम आदमी ही बनता है। कहने को तो हर देश की सरकार अपने देशवासियों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कितने कामयाब हुए हैं ये खुद वो ही जानते हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि आज हर आम आदमी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, हम, हमारा परिवार और इंसानियत का वजूद कहां तक सुरक्षित है। ऐसे ही सवाल के जवाब की खोज में पुलिस की ताबड़तोड़ छापामारी कर अपने सूत्रों के माध्यम से कुछ गैर कानूनी चीजों के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कैमरामैन दबोंगे के साथ विकास प्रसाद, फ्रंटियर न्यूज, गुवाहाटी। पुलिस का मानना है कि मुंबई कश्मीर के साथ साथ गुवाहाटी और हैदराबाद में हुए बम धमाकों से इस आतंकवादी के तार जुड़े हुए हैं। इस खूंखार आतंकवादी को यहाँ स्पेशल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। आतंकवादी वो खूंखार मुजरिम है जिसने न सिर्फ मुंबई में बल्कि हैदराबाद, देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत सी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। चलो उठो।
जिस क्रूरता से इसने इन तमाम बॉम्ब धमाकों में हजारों मासूमों की जान ली है, उससे जाहिर होता है कि इस दरिंदे के दिल में रहम और इंसानियत का कोई जज्बा नहीं है। यह भी जाहिर होता है माय लॉर्ड कि ये आतंकवादी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। माय लॉर्ड, इस दरिंदे को सिर्फ फांसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी, वो भी पब्लिक प्लेस पर सारी जनता के सामने। ऑर्डर, ऑर्डर, मिस्टर हक, अब आप बोलिए। माय लॉर्ड, इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर देश की शांति को भंग करने वाला कोई मामूली मास्टरमाइंड अपराधी नहीं लगता, बल्कि इसके तार बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि ऐसे अपराधी को ऐसी सजा दी जाए कि हमारे देश के दुश्मन हमारे देश में आतंक फैलाने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचे, ताकि इस घटना में शिकार हुए परिजनों को इंसाफ मिल सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इनकी नकाब खोल दीजिए। का अपना एडवोकेट है या अदालत से आपको कोई एडवोकेट दिया जाए, अगर चाहे तो अपना पक्ष रखने के लिए आप कुछ बोल सकते हैं, अदालत से आपको इजाजत है। अरे ये क्या निकल रहा है, पकड़ो से, पकड़ो। अदालत में पेश किया जाए। देश को बम धमाकों से दहलाने वाले देश के दुश्मन आतंकवादी को कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। कोर्ट उस दरिंदे के नापाक इरादे और उसकी हकीकत का पर्दाफाश करने जा रही है। जनता उसके इरादों के बारे में भी जानना चाहती है और अपने तरीके से सजा भी देना चाहती है। Court is adjourned till November 18. वही रिहाल है जो मेरी जिंदगी की थिरकती हुई उमंग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये वही रिहाल है? पंखों
जैसे पिंजरे को तोड़ा है, ये दिल ना हारेगा सेंचुरी मारेगा, ये दिल ना हारेगा सेंचुरी मारेगा, ये दिल वो शोला है आंधी से टकराएगा। ऐसा म्यूजिक चला दे जो नशा सा चढ़ा दे, लाइफ नचने लगी है थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे, स्टैचू को भी यारा डांस करना सिखा दे, जिंदगी का भी झूमने दे जरा। होठों पे झूठा सजेशन है, हम वो सुनेंगे जो दिल का डिसीशन है, हम वो सुनेंगे जो दिल का डिसीशन है। अपनी मर्जी चला ले हो जा खुद के हवाले, थोड़ी बिजली चुरा के बल्ब दिल का जला दे, चौंक जाए समाना ऐसी पावर दिखा दे, रोशनी की तरह तो बिखर जा सरा। पेपर काट काट के उसको उड़ती काट काट करता है, पेपर काट काट के उसको उड़ती काट काट करता है, दिल है संग की जो सोचा वो करके गया। ईगल सा ईगो है सिद्धि ये थोड़ा है, बेचैन पंखों से पिंजरे को तोड़ा है, ये दिल ना हारेगा सेंचुरी मारेगा, ये दिल ना हारेगा सेंचुरी मारेगा, ये दिल वो शोला। नशा सा चढ़ा दे, लाइफ नचने लगी है थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे, स्टैचू को भी यारा डांस करना सिखा दे, जिंदगी का भी झूमने दे जरा। सुहाना, रियाल का घर आ गया। आई थिंक यू आर नॉट फाइन, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? आई एम ओके, यू गो अहेड विद योर वर्क। आर यू श्योर? एक काम करना, तुम बॉस को फुटेज दिखा देना। ओके फाइन, टेक केयर। रियाल को मैंने क्या समझा और वो क्या निकला? आखिर क्यों टेररिस्ट बना? अब इसका मैं क्या जवाब दूंगी चाचा जान को? न जाने चाचा जान का क्या हाल होगा। इस तस्वीर को देख रही हो? ये मेरे मरहूम वालिद फैजल हक खान की है, जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला, उनके आदर्शों पर चलकर देश की आजादी के लिए न जाने कितनी लाठियां खाई, क्या क्या जुल्म नहीं सहे, पर उनकी मुल्क परस्ती का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। जिधर से गुजरते थे लोग उन्हें पलकों पर बिठाते थे, अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए वो सीख देते थे। उनकी तालीम और परवरिश ने मुझे भी एक सच्चा देशभक्त बनाया। अपनी जिंदगी देश के नाम कर फौज में बिता दी। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर रेहाल को अमेरिका तालीम दिलाने के लिए भेजा।
ताकि पढ़ लिख कर वो देश को तरक्की की राह दे। पर मैं रेहाल को वो जज्बा नहीं दे सका। परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, घर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। चाचा जा, मैं जानती हूं इस वक्त आप मेरी कोई बात नहीं सुनोगे। जो जहर आपके दिल में भरा है उसे निकालना आसान नहीं है, पर कम से कम ऊपर वाले पे तो भरोसा कीजिए, वो सबके निगहदार है। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि सब ठीक हो जाए। शॉट ने गेम ओवर किया। गेम इज नेवर ओवर। वेलकम, सिट डाउन। शुक्रिया। थैंक यू कैप्टन। फ्रांस की मीटिंग में कैप्टन रैक ने जो प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक खिलाड़ी पूरी तरह से ट्रैप में है, और उसने गेम के लिए मैदान भी वो चुना है जो कैप्टन रैक का फेवरेट है। खिलाड़ी किसको चुना? ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट इस बार हमारे लिए रेंज में ला रहा है। वी हैव द बेस्ट, एंजॉय माई हॉस्पिटैलिटी, एंजॉय, टेक केयर ऑफ देम। अबे ठीक से दबा यार अपने उस्ताद को। उस्ताद नया बकरा आ रहा है। अबे बकरा नहीं, मुर्गा है, मुर्गा, अंग्रेजी मुर्गा। सही बोले उस्ताद, अंग्रेजी मुर्गा लग रहा है। ले चल। जा बे, क्या घूर रहा है, क्या देख रहा है बे? हाँ, एक तो आतंकवादी है, देश की वाट लगाता है, ऊपर से ये तेवर। हाँ साले बबलू, बबलू यादव। हाँ। क्या घूर रहा बे? हाँ
मुझको मारेगा तो मार, मारना मारना अबे मारना मारना बे मारना लादेन की औलाद आईएसआई के चमचे अबे साले ले जाओ इसे और 18 नंबर पे डाल दो, वहां भी नहीं सुधरा तो 11 नंबर पे डाल देना। फिर आ गया पुलिस स्टेशन। क्या देखते हो चीफ? सीनियर हवलदार है भाई, हमको डार्लिंग से बात करनी है। क्या बकवास करता है ये हवलदार भी ऐसे ही। माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, यस हेलो माय डार्लिंग हेलो माय डार्लिंग स्वीटहार्ट चंद्रमुखी, कैसी हो? खाना वाना खाया? नहीं नहीं, तुम खाना खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे आने में देर हो जाएगी। बात क्या है, आजकल शहर में चोरों का उत्पात बहुत बढ़ गया है और मैं इस थाने का सीनियर इंचार्ज हूँ, इसलिए चोरों को पकड़ने का काम मुझे सौंपा गया है। अरे तभी तो मेरा प्रमोशन होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, घर का दरवाजा खुला रख के सो जाना ताकि चोरों को अंदर आने में तकलीफ न हो। चोरों को आना ही चाहिए तभी मेरा प्रमोशन होगा। और सुनो, जैसे ही चोर अंदर आए चुपके से मुझे मोबाइल पे फोन कर देना ताकि मैं आके सालों को गिरफ्तार कर लूं। समझ गई ना? ओके अच्छा डार्लिंग, बाय बाय। अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं 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 नहीं, फिर से हेलो हेलो चंद्रमुखी, नहीं नहीं तुम एक काम करो, तुम अंदर से पहले दरवाजा बंद कर दो और खिड़की से हाथ बाहर निकाल के ताला लगा दो बाहर दरवाजे पे, ताकि चोरों को शक नहीं होगा। ठीक है? हाँ अब समझी तुम। ओके ओके डार्लिंग, बाय। मगर ताला देख के अगर चोर वापस लौट गए तो? नहीं नहीं नहीं, दरवाजा खुला ही रखना पड़ेगा यार, गड़बड़ है। हेलो 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 चंद्रमुखी, चंद्रमुखी सो गई क्या? कितना चावल खाती है मोटी, हर मिनट में सो जाती है। उठ, अरे मेरी प्रमोशन खड्डे में पड़ जाएगी, चोरों को आना चाहिए, उठ मेरी माँ। मैं तो ये सोच रहा था कि कैप्टन का पार्सल तो आ ही गया, मगर हमारा अब तक क्यों नहीं? पहले पार्सल तो ले लो। कैप्टन से बात करो। यस कैप्टन, थोड़ा सा सबर कर लीजिए, हर साल की तरह 15 अगस्त को बड़ा सा जलसा होने वाला है, छोटा मोटा हादसा तो हो ही जाएगा और हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा क्योंकि आपके वो वीआईपी हमारे जलसे में मौजूद रहेंगे। That's fine. कब, कैसे और क्या करना है, that is your problem. I want results. This is an important game. No problem, Captain. काम हो जाएगा। किसको कत्ल करने का इरादा है मेरी जान? कत्ल नहीं, रिहा करने का इरादा है। बहुत बढ़िया। आपने जैसा बताया था हमने पैसा स्विस बैंक में डाल दिया है, अब हमारा काम कब होगा? खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, जैसे ही मैं टॉस करूंगा द गेम विल बिगिन। बस ओपनिंग नाइट की आतिशबाजी देखने के लिए गेट रेडी, राइट तानिया? यस कैप्टन,
आप लोग आराम से बैठ के नजारा लाइव देख सकते हैं। कैप्टन ने ऐसा इंतजाम किया है। नजारा नहीं तानिया, That's a live play of the game, real life game. Please come with me. जरूर। साथियों, आज आजादी का दिन है और फिर आजादी के दिन हमारी सरकार ने आप सब लोगों को शुभकामनाएं भेजी। ये आजादी हमें हजारों देशभक्तों की कुर्बानी के बाद हासिल हुई है और इस आजादी को कायम रखना हमारे हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और आप लोगों के लिए रिहाई के बाद कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिससे आप खुशहाली और आराम की जिंदगी बसर कर सकें। जय हिंद, जय हिंद। बोल, ये गन तेरे पास कहां से आई? अरे हट। टेलर, इस नौजवान को अपने चैंबर में बुलाइए। तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, हम बचपन से असम की घाटियों में खेला, बड़ा हुआ इन आंखों ने बड़े बड़े कांड देखे, बड़े बड़े जुल्म देखे, बहुत से नक्सलियों और टेररिस्ट से भी मुलाकात हुई, लेकिन मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। तुम टेररिस्ट नहीं हो सकते। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम जैसे पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे को ऐसा खतरनाक और नापाक रास्ता अपनाना पड़ा? देखो, हमने तुम्हें बेटा कहा, हम तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हारी जबानी सुनना चाहते हैं। हूं एक गृह मंत्री होने के नाते नहीं, एक पिता समान होने के नाते। सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे जॉब ऑफर किए, पर मैं देश की सेवा करने के लिए वापस इंडिया आ गया। Our flight should be leaving soon. Excuse me, sir. Somebody's calling me. Yes, sir. Me? Yes, sir. I think ye aapka pen drive hai. Oh, this is extremely valuable. Thank you. Bahut imandar lagte ho. Sir, I'm an Indian. It's a national virtue. One minute. Give me my card. Yes, sir. This is my card. Let me know if I can do anything for you. Sure, sir. Indian imandar. मेरे रविदास चाचा ने मुझे जो बचपन में नमाज सिखाई, उसकी वजह से ही मुझे आज इतनी तरक्की मिली। भाई लागू रविदास चाचा। सलाम अबू। जी तेरा बेटा, खुश रहो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अल्लाह से दुआ। अच्छा अच्छा अरे बस बस रविदास। अच्छा, रिहाल तैयार हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, बुलाओ उसे। चाचा, नाश्ता तैयार है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम, बैठो नाश्ता। अरे हाँ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक चल रही है अबूजान। बहुत अच्छा। अभी अभी मिली खबरों के अनुसार देश के कई हिस्सों में आतंकवादियों ने धमाकों की योजना बनाई है, इसलिए केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के हेडक्वार्टरों को रेड अलर्ट घोषित करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने पूरे देश में। क्या बात है? कुछ नहीं अबूजान, मुझे लगता है मुझे और देर नहीं करनी चाहिए।
अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, तुम्हें कामयाब करे। बेटा ज्यादा रात मत करना, शहर के हालात ठीक नहीं है। ठीक है अबू जान, आप भी अंकल से मिलके जल्दी घर आ जाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा। अरे हाँ, वो गाड़ी की चाबी ले जाना। नहीं अबू, जरूरत नहीं है, आप ही ले जाइए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक। मुझे निकलना है, मेरा हो गया। चाचा मैं लेट हो जाऊंगा, आप खाना खा लेना। हेलो, हाँ रे हाल बोलो। अरे कहाँ रह गई हो तुम यार, मुझे लिफ्ट देने वाली थी ना तुम। अरे आई एम सो सॉरी रिहाल, मुझे ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम से आना पड़ा। वैसे भी शहर में कितना हाई अलर्ट लग गया है, तो पब्लिक की प्रॉब्लम और पुलिस की एक्टिविटी को कैप्चर करना है। यू नो ना, मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिश्नर के साथ आज प्रेजेंटेशन है, जो मेरी लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्ट है। और तुम्हारे चक्कर में मैंने अबू को गाड़ी के लिए मना कर दिया, और मुझे लगता है अबू गाड़ी लेके निकल गए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ जानती हूँ। ऑल द बेस्ट माय डियर, आई लव यू। आई लव यू टू। बोलो शर्मा, क्यों फोन किया? खबर अच्छी नहीं है कैप्टन, ये गुवाहाटी के डीआईजी मिस्टर डेका ने गुवाहाटी की पूरी पुलिस को चेकिंग के लिए लगा दी है। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? चक्रव्यूह तोड़ने के लिए एक गद्दार काफी है, तुम हो ना गद्दार। इसमें अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा शर्मा, अगर हमने खेलना शुरू किया तो तुम पे भारी पड़ेगा। वैसे भी मेरे खिलाड़ी पुलिस से बहुत नफरत करते हैं। डू इट, समझे? गुड बाय। अरे जाने दीजिए, वीआईपी गाड़ी है, लाल बत्ती नहीं दिखती का? सर अभी कौन गया? सर वो कोई वीआईपी था सर। क्या मजाक करते हो, मैं यहाँ का डीआईजी हूँ, मुझे तो पता नहीं कि शहर में कोई वीआईपी आया है। सर वो चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। चला भाई, चल 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 चल, जल्दी चला। हेलो रानी जी। सर सेंड रिहाल कॉल, आई विल जस्ट सेंड हिम इन। मिस्टर रिहाल जी, आपको सर ने अंदर बुलाया है। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो रियाल? वेरी गुड सर, प्लीज सिट। रियाल तुम्हारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर का आविष्कार मैंने इंटरनेट पर देखा जी। पूछो उससे, ये दो तीन लड़के को भागते हुए देखा तुमने? ये तो कर्नल का घर दिख रहा है, छुपने के लिए सही जगह होगी। बिल्कुल सही, चलो। ए काकू बाजा, बोलो देखी सर ने? नहीं सर। Thank you.
के घर पे। ए, गाड़ी जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। चल चल बुड्ढे चल, अंदर चल। और कौन है घर में? ओ, अकेले हो? और कौन कौन है घर में? दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। और कोई दिक्कत हो तो हमें फोन कर लेना, पुलिस स्टेशन। अरे लेकिन कर्नल का घर है, यहाँ नहीं आएंगे वो लोग। हा? चल कहीं और ड्यूटी बजाते। ओके सर। आजा। शर्मा। जी सर बोलिए। लोग कर्नल के घर में छिपे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार करो वरना तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। सर लेकिन वो पुलिस आर्मी के घर में। सर, सर आप... अरे बस कर, बूढ़े ने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया, मजा आ गया। चलो उठो यार, उठो, चलो उठना नहीं क्या? चलो चलो निकलो, चलो। अरे उठो, चलो उठो यहाँ से। हेलो इम्तियाज, डीआई जी को सब पता चल गया है। ओके ओके, वहाँ से जल्दी निकलो। ओके ठीक, मुझे छापा मारने पड़ा है। चलो रे, रास्ता क्लियर है, जाने की तैयारी करो। इस बुड्ढे का क्या करें? अरे यार, अभी जुबान से नमक का स्वाद गया नहीं। तुम नमक हरामी की बात करते हो, जाने दो, कोई बात नहीं, गूंगा है, कोई खतरा नहीं। देख बुड्ढे, कोई गड़बड़ नहीं, समझा? चलो रे, चलो चलो। साला डीआईजी का खबरी, डीआईजी का चमचा, गद्दार, घर में डरे छुपा के रखता है हराम खोर, है? उनको मटन बिरयानी खिलाता है, है? तेरी के साथ चल, हट, साला डीआईजी का खबरी, साला मर जाएगा, डीआईजी का चमचे। शर्मा नाम है मेरा। साहब मर जाएगा ये, साहब छोड़ दीजिए इसे। साला नहीं मानेगा। हे, बोल बोल कहां भगाया टेररिस्ट को? नंगी करके दौड़ाऊंगा। ए! कोई साला इसको पानी तक को नहीं पूछेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, पता चला तो कुत्ते का मूत पिलाऊंगा साला। पकड़ ड्यूटी, जिंदा बचेगा तब ना बताएगा। चला कि तेरे को भी ठोकूं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो तुम नेशनल नहीं इंटरनेशनल हीरो बनोगे। आज ही मैं दिल्ली बात करता हूं। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। I
अरे साहब आएंगे तो उनको रिपोर्ट दिखा दूंगा भाई, अभी साहब आने वाले हैं, परेशान मत कर। सर खामखा सर। सर नमस्ते सर। अरे जा जल्दी से चाय पानी का इंतजाम कर, साहब बहुत थक गए हैं, साले बुड्ढे की बहुत ठुकाई की है। अपने साहब जब इतने थक गए हैं तो उस बुड्ढे का क्या हाल होगा, हल्दी दूध पी रहा होगा साला। सुबह सुबह जब पकाने जाएगा तो साहब को जरूर याद करेगा। क्या कर रहा है, ठीक से दबाना। अरे क्या बात है, घर में इतनी भीड़ क्यों लगी। रविदास क्या हुआ तुम्हें, अरे बोलते क्यों नहीं, अरे बोलो क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें। अरे 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 कोई 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 मुझे बताएगा भी, क्या क्या हुआ इसे, सबके सब गूंगे बहरे हो गए हो क्या, अरे बताते क्यों नहीं, क्या हुआ इसे, इसे क्या हुआ, कोई तो कुछ बताओ। कर्नल साहब आप किन लोगों से पूछ रहे हैं, इन लोगों से जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें किसने मारा। किसने मारा बताओ मुझे, किसने मारा। इंस्पेक्टर कुलदीप शर्मा ने। इंस्पेक्टर कुलदीप शर्मा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, रविदास की कसम खाकर कहता हूं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कर्नल साहब मैं आपके साथ हूं। मैं भी आपके साथ हूं। मैं भी आपके साथ हूं। सर आपकी ये थकान मालिश से दूर नहीं होगी, इसके लिए तो कुछ स्पेशल इंतजाम करना होगा। हाँ बोतल से मालिश हो जाए तो कुछ बात बने, बल्कि मैं तो ये कहूंगा सर सिर्फ बोतल से काम नहीं होगा, बोतल के साथ बोतल वाले भी हो तो मजा आ जाए। बाहर देख जरा। मैं देखता हूँ क्या है भाई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। साहब साहब लगता है वो बुड्ढा मर गया साहब। साला सर जरा इजी हैंडल कीजिएगा, कम से कम 1,000-1,500 लोग होंगे, मीडिया को मालूम पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। कुलदीप शर्मा, कर्नल मुजम्मिल हक खान आपसे यही पूछने आया है कि एक शरीफ आदमी को यू दिन दहाड़े खुलेआम बेरहमी से पीट पीट कर मार डालना कौन सी कानून की किताब में दर्ज है जो आपने पढ़ी है। देखिए कर्नल साहब, ये पब्लिक को उकसाकर पुलिस और कानून व्यवस्था के काम में अड़ंगा डालना अपने आप में देशद्रोही है। इस भोली भाली जनता की भलाई के लिए पुलिस को कभी कभी सख्ती से निपटना पड़ता है, यदि इसमें ये एकाध कैजुअल्टी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, हजारों करोड़ों लाखों लोगों की जान बसती हैं, इनका ये नौकर, इसने घुसपैठियों को घर में पना दे रखी थी, पुलिस से ये बात छुपा के रखी थी, साला जैसे ही मौका मिला उनको फरार करवा दिया धीरे से, और कल के दिन वो ही लोग हमारी और इस मासूम जनता की जान लेंगे। इतनी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आती। कर्नल साहब ये आदमी नहीं जानवर है, जानवर। अरे इसे तो अपने किए पे कोई पछतावा ही नहीं है, ऐसे आदमी को तो इस थाने में बंद करके जिंदा जला देना चाहिए। रुक
जाओ तुम लोग। हम यहां किसी को मारने या जलाने नहीं आए हैं। हम भी यही करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा इनमें और हम में। इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से कानून की भाषा में हमें समझाया। अब हमारी भी एक बात सुन लीजिए। अगर ये गद्दार है तो इस लाश को एक देशभक्त का कांधा हरगिज नहीं नसीब होगा। ये गद्दार है या देशभक्त, इसका फैसला अब अदालत करेगी। आप लोग शांति से नहीं मानेंगे और इस थाने का घेराव करके कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो मजबूरन हमें भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। हम अपने रिपोर्ट लिखाए बिना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं तीन तक गिनूंगा, अगर आप लोग शांति से यहां से उठकर नहीं जाएंगे तो हमें मजबूरी में लाठी चार्ज करना पड़ेगा। एक, दो, नहीं जाएंगे, तीन। इस लाश का क्या करें? सब ये इस साले की डेड बॉडी लेकर इसके घर पे फेंक के आओ और इस साले को उठा के लॉकअप में डालो, नहीं तो कल फिर पब्लिक को भड़काएगा। साला दिमाग काम नहीं कर रहा, साला उठा इस साले को। बंद करो। ए पहलवान। सर। चल दारू मंगा और कुछ इंतजाम भी कर। दिमाग ठंडा नहीं हो रहा साला। सर यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, उसका इंतजाम दूसरी जगह किया है, वहीं चलते हैं। चलिए जल्दी आ। खतार। जान गया अगर मेरी हकीकत उड़ जाएंगे तोते, मेरे नाम तो चर्चा है सारी दुनिया।
जिसने लाखों को लूटा है, तेरे नाज़ो नज़ाकत के सदके कितनों का ही दिल टूटा है। दीवानों की तीख नजरिया तन में आग लगाए, देख पटाखा मस्त कमरिया सबका मन ललचाए। में छुपे भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस ग्रेमा पे हाथ डालने की? कानून है हम, तुझे तो किसी जेल में जल्लाद होना चाहिए था। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाचा और अबू पे हाथ उठाने की? तो उसका सपोला है तू? तेरे को भी अपने बाप की तरह हीरो बनने का शौक है ना? ए, अगर उसको लॉकअप पे बाप के साथ अबू, ये क्या हो गया अबू? कहाँ से लाया इसको? अरे सालो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? थाने में बैठ के शराब पी रहे हो? अगर अबू को कुछ हो गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबू ये क्या फड़फड़ा? बेटा इनसे मत उलझो, हम इनसे कोर्ट में। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। सुनो मेरी। अरे प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज, अबू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। बनकर प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे अबू मर जाएंगे, प्लीज प्लीज जाने दीजिए हमें। अबू अबू आगे खोलिए, अबू आगे खोलिए। अबू अरे भाई प्लीज, भाई प्लीज प्लीज, अबू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज कोई पानी तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा पानी चाहिए, ये ले, ये पिला अपने अब्बू को, दारू भी तो पानी होता है। अरे मेरे पे हाथ उठाता है तू? मेरे बेटे को छोड़। गाड़ी में बिठाओ जल्दी, आराम से इन्हें बिठा दो। सालो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, याद रखना मेरा नाम रियाल खान है, रियाल खान। लेट्स गो। अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था।
Sister, I'm fine. It's okay. दीजिए, मैं करती हूँ. Okay. मैं ठीक हूँ यार, बस अबू का ख्याल रखो. चुप रहो रेहान. मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम किस तरह से गुजर रहे हो. तुम्हें सब्र से काम लेना होगा रेहान. अंकल को मैं संभालूंगी. देखो, रविदास चाचा का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है. तुम्हें ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा. तुम ही उनके बेटे हो. अभी तुम चले जाओ, चले जाओ. शान है मौला तेरी, क्या शान है.
अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, शान है अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है। सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए ना सर प्लीज। देखो मिस्टर, तुम्हारे भाई ने एक्सीडेंट में एक मुर्गी को मार दिया है, उसका खून किया है, यानी मुर्गी का जो मालिक था उसे करोड़पति बनने से रोक दिया, यानी 1 करोड़ रुपए का नुकसान। इसकी तो बहुत सीरियस छानबीन करनी पड़ेगी भाई। एक तरफ मर्डर केस है और दूसरी तरफ 1 करोड़ का घोटाला, वेरी सीरियस केस, मर्डर एंड घोटाला, मर्डर एंड घोटाला। देखिए सर। अरे लेकिन 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 मैं तुम्हारा नुकसान कम कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा है भाई? ओ, समझ गया समझ गया। क्या है ये? ना 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 ना, ना 2000-3000 से काम नहीं चलेगा, ये मर्डर केस है, 1 करोड़ का सवाल है भाई। देखिए मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, मेरे भाई ने किसी करोड़पति इंसान का मर्डर नहीं किया, सिर्फ मुर्गी को मारा है। अरे एक मुर्गी का मतलब है 1 करोड़पति, समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे घर में मुर्गी है कि नहीं? नहीं। इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा मैं समझाता हूँ, 1 साल में एक मुर्गी कितने अंडे देती है? हजारों। उन हजारों अंडों में से कितने मुर्गे मुर्गियां पैदा होते हैं? अब सोचो वही मुर्गे मुर्गियां फिर कितने अंडों को जन्म देंगे, फिर उन अंडों में से कितने मुर्गे मुर्गियां निकलेंगे, फिर उस साल में वही अंडे अंडों में से कितनी मुर्गियां बाहर आएंगी, फिर अंडों में से मुर्गे बाहर आएंगे, अंडे में से मुर्गी अंडा। क्या हुआ तुम्हारे भाई ने? बोलो मर्डर किया कि नहीं, 1 करोड़पति का मर्डर? अरे नहीं सर, एक मुर्गी को मारा। अरे एक मुर्गी नहीं, वो करोड़पति है, 1 करोड़पति का मर्डर है, ये मर्डर केस है। मैं अभी हलो 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 बड़े साहब को, बड़े साहब को तो ये समझता नहीं उल्लू का पट्टा। चल चल साथी रे, चल चल साथी रे, चल चल।
बनके जो चल पड़े हम वो रास्ते खुद सिमट गए हमारी राहों में थे जो पत्थर वो खुद ही घबरा के हट गए जहाँ पे मंजिल कदम को छुए जहाँ पे मंजिल कदम को छुए वही चले चल साथी रे साथियों आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम किस मकसद से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज मैं आपको एक नए एक्सप्लोजिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये RDX है। अभी तक जितने भी एक्सप्लोजिव के बारे में आप लोगों ने जाना उसमें से सबसे खतरनाक ये है। ये 1 किलोग्राम RDX 100 मीटर एरिया को अपने नक्शे से गायब कर सकता है। अगर टारगेट सही हो तो 2 से 5 हज़ार लोगों की जानें भी जा सकती हैं। आजकल टेक्निकल मोलोटिव कॉकटेल्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। स्टिक बॉम्ब भी है जो एक छोटी सी चुंगम की तरह होता है। ये सर्किट है और ये एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब। सर्किट यहाँ पे सेट किया जाता है। ये टाइमर ये यहाँ से ऑन होता है। अगर हम इन दोनों तारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो बॉम्ब एक्टिव हो जाएगा। ओके कमांडोस। यस सर। इसके अलावा हमारे पास और नई टेक्नोलॉजी भी है जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉडी सेंसर या हीट सेंसर, जो रिमोट कंट्रोल की तरह सब्जेक्ट को चुनकर उसके हिसाब से टारगेट को सिलेक्ट करता है। एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स? नो सर। ब्रीफिंग डिसमिस्ड। हेलो रिहाल, रिहाल, हेलो, तुम ही हो ना? कैसी हो सुहाना? एक मिनट रिहाल, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? बोलो, जवाब दो। तुम्हें पता है तुमको लेके यहाँ सब लोग कितने परेशान हैं? तुमने ये भी जानना नहीं चाहा कि अब्बू कैसे हैं? अब्बू की तबीयत कैसी है? बेहतर है, आज ही उन्हें लाई हूँ। पर वो रात दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछते रहते हैं, ना ठीक से खाते हैं ना टाइम पर दवाइयाँ लेते हैं। तुम कैसे हो रिहाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहाना, तुम अपना और अब्बू का ख्याल रखना बस। ठीक हूँ मतलब? इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? कुछ जरूरी काम में उलझा हुआ था इसलिए फोन नहीं कर पाया। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था कि तुम अपनी खबर भी नहीं दे पाए? तुम घर वापस आ जाओ। मैंने बेल के सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। ज्यादा दिन फरार रहोगे तो लोग तुम्हें गलत ही सोचेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं मतलब कुछ नहीं सुहाना, मैं अभी घर नहीं आ सकता। बट व्हाट्स द रीजन? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम बस मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। कहीं तुम सच में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, शायद तुम भूल रहे हो, कल मेरा जन्मदिन है और मेरी बस एक ही विश है कि तुम मेरे साथ रहो। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। एक दिन के लिए मैं तुम्हें जी भर के गले लगाना चाहती हूँ, प्लीज रिहाल, मेरे प्यार का वास्ता। हेलो रिहाल, दिल्ली होम मिनिस्ट्री से मिस्टर कपूर का फोन है। वेट, गेम इज गोइंग ऑन, जस्ट होल्ड, एंड द गेम इज ओवर। आपने हमें याद किया था? यस मिस्टर कपूर, इंडियन ऑपरेशंस टीम में एक नया खिलाड़ी आया है जिसके खेलने का स्ट्रेटजी नया है, एंड दैट्स अ चैलेंज। ये बात तो अभी तक होम मिनिस्ट्री में भी नहीं पता चली। इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये भी मैं जानता हूँ। वर्ल्ड सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। हर कंट्री में सूरज की किरणें पहुंचने से पहले
मेरा नेटवर्क पहुंच जाता है। जी कैप्टन। मिस्टर कपूर, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है तो फिर एक नए खिलाड़ी के प्रोफाइल के लिए आपकी मदद लेनी क्यों पड़ रही है। वेल, मिस्टर कपूर, पायलट चाहे कितना भी बढ़िया हो, एयरक्राफ्ट को पीछे लेने के लिए ग्राउंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर मी, ग्राउंड स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेम। चुपचाप। आखिर क्या चाहते हो मुझसे? बोलना चुप। सर, कौन है? वेलकम वेलकम वेलकम। मिस सुहाना सिद्दीकी, द फेमस रिपोर्टर, वेलकम। छोड़ो, रिहाल, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये हमारा तरीका है इन खूबसूरत वादियों में वेलकम करने का। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर ब्यूटीफुल लेडी। ये सब क्या है रिहाल? तुमने ही तो कहा था कि तुम इस बर्थडे को मेरे साथ ऐसे मनाना चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाए। Come my darling. आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए वैलेंटाइन डे भी है। I love you, रिहाल। रोशनी से नहाने लगे तुम साथ में, क्या आ गई रास्ते जगमगाने लगे। ऐ हम नशी, इतना बता कैसी जादूगरी है तेरी। जब भी करूं बातें तेरी, क्यों महकती है सांसें मेरी। कोई
चमकने लगी है तेरी वफा की खुशबू से यारा मेरी दुनिया महकने लगी है तेरे लिए आँखों ने मेरी ऐसे सपने सजाए पिया ऐसे सपने सजाए पिया से जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। देखो जिद मत करो, मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना, अब तुम मेरी बात मानो। तुम्हें घर जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो सुहाना, मुझे पता है तुम्हारे जहन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। तुमने अपने प्यार का वास्ता दिया था, मैंने उसकी लाज रख ली। अब मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देता हूं, तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी। और अभी अबू की जिम्मेदारी भी तुम पर है, तुम उन्हें कैसे मनाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ प्रोफेसर। हाँ ठीक है, मिलते हैं। अरे रुक, पीछे ले। नमस्ते, कहां से आ रहे हो अंकल, और कहां छुपा रखा है उस सपोले को? इसी देश में है वो। हाँ वो तो पता है, लेकिन अफसोस इसकी रेंज से बाहर है। कोई बात नहीं, बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएंगी, आज नहीं तो कल किसी न किसी रेंज में तो आएगा। अरे
आजकल मीडिया में छाया रहता है, हीरो बन गया है, पता है आपको? लेकिन ऐसे टेररिस्ट जब मारे जाते हैं ना तो कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं ऐसी नालियों में। मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है, अगर दम है तो उन असली टेररिस्टों को जाकर पकड़ो जो टेररिज्म जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुलेआम घूम रहे हैं। तुम उन्हें कैसे पकड़ोगे? तुम खुद उन्हीं की कार्बन कॉपी हो। अंकल गुस्सा हो गए, अंकल गुस्सा हो गए, चलो रे। साथियों, सुबह की पहली किरण के साथ हमारा ऑपरेशन शुरू होगा और इस ऑपरेशन का नाम होगा मिशन ट्रिपल ई। पहले ही का मतलब है एक्सपीरियंस, जो आप लोगों को दिया जा चुका है। दूसरे ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट, जो अब हमें करना है। और तीसरे ई का मतलब है एवोल्यूशन, जो ग्रेजुअली होगा। मिशन ट्रिपल ई कहलाने के पीछे दो कारण और भी हैं। हम हिंदुस्तान के तीन हिस्सों से ऑपरेशन शुरू करेंगे। पहला कश्मीर, दूसरा मुंबई, तीसरा गुवाहाटी। नंबर टू, एक ग्रुप में तीन कैडर्स होंगे। अ ट्रायंगुलर अटैक बाय ट्रायंगुलर कैडर्स। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो सर। कश्मीर के लीडर होंगे शमीम खान। यस सर। मुंबई की विजयलक्ष्मी और गुवाहाटी का प्रीतम बड़ुआ होंगे। पर एक बात ध्यान रहे, every moment and every second will be dangerous for all of us, par ye maqsad hum logon ki zindagi se badhkar hai, so be alert and best of luck. Civil commandos zindabad, zindabad. Mission triple E safal ho, mission triple E safal ho. कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? पना, सिर्फ कुछ समय के लिए। हमारे पीछे आर्मी लगी है। गलत जगह पर आए हो, ये खुद एक आर्मी ऑफिसर का घर है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि किसी को शक ना हो। लगता है तुमने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। ये एक देशभक्त का घर है। न जाने तुम जैसे कितने टेररिस्टों को मेरी गोलियों ने मौत के घाट उतारा है। ए! ये इतना आसानी से मानने वाला नहीं है। आखिर इसके खून में 40 साल का सरकारी नमक जो मिला है। साला हमको टेररिस्ट बोलता है, तेरा बेटा खुद एक टेररिस्ट है जिसके पीछे पुलिस हाथ धोके पड़ी है। ज़बान संभाल कर, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो टेररिस्ट नहीं है। अरे सुनो सुनो, इसका बेटा टेररिस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे टेररिस्ट बनाया गया है। तो फिर काहे की शर्म कर्नल? आओ हमारे साथ बोलो, आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद। नहीं नहीं, आर्मी ने हमारे दो कैडर्स को मार गिराया। ठीक है, डरो मत, गो अहेड। ओके सर। 18.11 स्पीकिंग सर, आर्मी ने कश्मीर ग्रुप के दो कैडर्स को रास्ते में मार गिराया है। अब शमीम खान अकेले ही ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे सर। Thank you.
मेरे ख्याल से टारगेट के लिए ये एरिया बिल्कुल सही होगा। विजय लक्ष्मी, मेरी आवाज सुन रही हो ना? यस सर। देखो, तुम एक्सप्लोजिव मत रखो वहां पे, क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। फॉलो माय नेक्स्ट एडवाइस। राइट सर। गाड़ी साइड में लगाओ। ए, रोको रोको। गाड़ी रोको। उधर साइड में आओ। बहुत बड़ा ऐसा। सर बस यूं कर दो। लाइसेंस। क्या ये? यस सर। शमीम, तुम वहां एक्सप्लोजिव रख दो। ड्यूरेशन 1 आवर एंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ओके सर। वेरी गुड। विजय लक्ष्मी, एक्सप्लोजिव ग्रीन टावर में रखो। डिस्टेंस 1000 मीटर डेडलाइन और ड्यूरेशन 25 मिनट रखना। राइट सर। प्रीतम, तुम ही ठीक है आसान है? यस सर। तुम अपना एक्सप्लोजिव गणेशगुड़ी मार्केट के पार्किंग में रखो। ड्यूरेशन 45 मिनट्स एंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ओके सर। रफी, तुम उधर जाओ, हम लोग इधर जा रहे हैं। ओके। विजयलक्ष्मी, वो देखो। यस। तुम ऑब्जर्व करो। दिल्ली से जॉन। Hey, I am playing a game. Okay, boys. Yes, John. क्या खबर है? टॉस हो गया सर, जल्दी खेल शुरू कर सकते हैं। कौन सा स्टेडियम चुना है? चांदनी चौक का पेट्रोल पंप सर। क्या स्कोर बनने की पॉसिबिलिटी है? सेंचुरी तो हो ही जाएगी सर। गुड। मैच कब स्टार्ट करना होगा? मैं उसका सिग्नल दूंगा, लेकिन तब तक पिच पर ध्यान बनाकर रखना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओवर एंड आउट। तानिया, सिग्नल टाइम इज 18:11। कश्मीर, मुंबई और गुवाहाटी का पोजीशन पता करो। ओके सर। मैं हिंदुस्तान के दिल और दिमाग दोनों पर एक साथ अटैक करना चाहता हूं। सर, टारगेट ट्रांसप्लांट कर दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सर, हमने पुलिस को चकमा देकर बाइक पोजीशन पे लगा दी है। ओके, ग्रेट। हेलो। हाँ, पूरी प्लानिंग अच्छे से हो गई है सर। बहुत अच्छे शमीम। प्रीतम, अगर ब्लास्ट सही तरीके से हुआ तो कितने कैजुअलिटीज और कितने लोग इंजर्ड होंगे? ऑल टुगेदर 500। नाइस, गो अहेड। सर, follow my next advice. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you.
बात हो गई? यस सर। सर, सर, साथियों, अपनी घड़ियों को मिला लो। अब 1711 आवर्स हुए हैं। अब से एक घंटे बाद मतलब 1811 से हमारा टारगेट शुरू होगा। अपना टारगेट मिला लो। ओके, ठीक है सर। ओके, यस सर। क्या कर रहा है? कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर। यहाँ क्या कर रहा है? सर, चल। कुछ नहीं सर। थाने चल। चल, सर, सर, चल। बात। सर, चल वहाँ जाके पता लगेगा। सुन, चल। हेलो। यस सर। विजय लक्ष्मी, तुम्हारा काम हुआ? काम हो गया, पर हमारी एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। Don't worry, I'll take care about the situation. And you wait for my next advice. All right? Clear? Yes, sir. I'm 1811 speaking. सर, मुंबई में हमारे एक कैडेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है सर, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सर। एटीन इलेवन स्पीकिंग सर। जी सर, कश्मीर और गुवाहाटी में बम लगा दिया गया है। मुंबई में पुलिस का डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी प्लांट किया। एक घंटे के अंदर रिजल्ट पता चलेगा सर। जी सर, अगर हम कामयाब हुए तो दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होगा। ओके सर, थैंक यू सर। चांदनी चौक के पेट्रोल पंप में बॉम्ब लगा हुआ है। ब्लास्ट होने में 20 मिनट बाकी हैं। प्लीज हरिया। How was your swimming, sir? I love swimming. I enjoyed my 100 laps. What happened to Senapati? He is in check position. Today you're looking very absent-minded. Mrs. Sangakkara. Captain is a sportsman, and a sportsman's mind is always active.
सर, सर, रिहाल खान को। I know. You know Mrs. Sangakkara? Yes. Sportsman failing in the ground is not something good. What do you say, Tanya? Yes, Captain. I hate sportsmen who don't perform. Game over. Speaking, sir. Mission is a success. Congrats, sir. मैं details के लिए आपसे बाद में बात करता हूँ. ये देख तो इसमें, ये देख मेरे इसमें भी है भाई. अरे भाई मुझे कुछ मैसेज आया, देख दिखा दिखा. अरे दिखा ना. अबे ये फोन बंद ज़ूम क्या? अरे आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद हो गया. अरे कोई एसएमएस भी नहीं जा रहा है, लगता मोबाइल हैंग हो गया. ये क्या है? पता नहीं कुछ आया मेरे मोबाइल पर. मेरे पास क्या है? बम लगा हुआ है. शमीम, वहाँ पे एक क्राउड का मोमेंट क्या है? सर यहाँ पर लोग अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं और भगदड़ मची हुई है सर. शमीम तुम एक काम करो, बॉम्ब डिफ्यूज कर दो. ओके सर. प्रीतम सिचुएशन बताओ. सब लोग मोबाइल पर मैसेजेस देख के चौंक रहे हैं और यहाँ अफरा तफरी मची हुई है. प्रीतम तुम बॉम्ब डिफ्यूज कर दो, ठीक है? ओके सर. ओके. विजयलक्ष्मी अब बॉम्ब डिफ्यूज करो और वहां से निकल आओ. यस सर, मैं विद इन 5 मिनट्स बॉम्ब डिफ्यूज करके बाहर आती हूं. साथियों कंग्रेचुलेशंस, द एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस.
तानिया। यस सर। उस नए प्लेयर रिहाल खान को फोन लगाओ। ओके सर। और शर्मा और दूसरे ग्राउंडमैन को ओल्ड मैचेस फैक्ट्री में बुलाओ। ओके कैप्टन। हेलो। रिहाल खान ऑनलाइन सर। सलाम वालेकुम मिस्टर रिहाल खान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ। वर्ल्ड सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कैप्टन ड्रैक। ओह, तो आप ही कैप्टन ड्रैक हो। दैट्स राइट। एंड आई लव चैलेंज। स्पोर्ट्स और पावर दोनों में चैलेंज है, और चैलेंज मेरी हॉबी है। आपकी हॉबी और मेरी हॉबी सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है आपका स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। स्टाइल स्टाइल भी एक ही हो जाएगा, पर तुम मेरी हर विक्ट्री में रुकावट बन रहे हो। रुकावट नहीं, क्रैश। क्रैश छोटे प्लेयर हो ना, इसलिए तुम्हारा अकाउंट अभी तक खुला नहीं है। छोटी मिर्ची में जलन ज्यादा होती है। रियाल खान, डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हो। डायलॉग छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। दोस्ती कर लो हमारे से। तुम्हारा वो जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है हमें दे दो, बदले में मुंह मांगी कीमत। ईमान और इबादत बेचे नहीं जाते मिस्टर रैक, मेरा सॉफ्टवेयर मेरा ईमान और इबादत है। मिस्टर रिहाल खान, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द कमजोर लोगों को होता है। कैप्टन रैक ने कहा था, जो चीज उसे नहीं मिलती वो छीन लेता है। दम है तो बचा अपनी मुंबई को। कम ऑन, सेव योर मुंबई। अगर मेरी मुंबई का कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। फोन पर धमकियां देना बंद कर, धुबरी की मैच बॉक्स फैक्ट्री में आ जाओ, नया मैच खेलेंगे। जरूर आऊंगा। हमारे लोग ठीक उसी वक्त वहां पर अटैक करेंगे और ब्लास्ट प्लान की। That's enough, Sharma. Tell all your groundsmen, this game is extremely important. Home Minister, over and out. Sharma, no foul in this game. No foul. He's here. Welcome, Rehal Khan. Welcome. Hurry up! Yeah!
सर, मुझे पता चला है कि टेररिस्ट रेहल खान डोरी मैचेस फैक्ट्री में छुपा हुआ है। उसी पे एक्शन लेने जा रहा हूं सर। रिहाल खान जो कैप्टन के साथ गेम खेलने से इनकार कर देता है, कैप्टन उसे गेम से आउट कर देता है। शर्मा। यस कैप्टन। योर द एम्पायर नाउ। गुड बाय रिहाल खान। गुड बाय। ईमानदार इंडियन। चॉपर रेडी रखो। इस तरह मुझे टेररिस्ट बनाकर पहले अदालत और फिर जेल भेजा गया। तुम्हारा चीफ कौन था? सर, जब मैं परेशान होकर गुवाहाटी हजो पोहा मक्का और कश्मीर की हजरत बल दरगाह पहुंचा, तब अल्लाह की मेहरबानी से मुझे सेंट्रल होम मिनिस्टर सर ने पहले गुवाहाटी और फिर दिल्ली बुलाकर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया। एक्सक्यूज मी सर,
आर्मी कमांडर मिस्टर मोदी आए हैं, साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टर रिहाल खान भी हैं। आर्मी कमांडर को जाने को बोलो और रिहाल खान को शिप में भेजो। ओके सर। मिस्टर रिहाल खान, तुमको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? जी नहीं। प्लीज, तुमने जो ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये हमें सब मालूम है। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है? सर, जहां बॉम्ब एक्सप्लोजिव रहेगा वहां से 1000 मीटर के रेडियस तक सभी मोबाइल्स में डेंजर अलर्ट आ जाएगा और हर आदमी ब्लास्ट से बच सकता है। एंड इट डिटेक्ट्स इलीगल आर्म्स आल्सो। सर, सॉफ्टवेयर तो तैयार है, बस उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें हर मदद मिलेगी। या। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मिशन सीक्रेट रहेगा। इसका नाम होगा मिशन 3E और तुम्हारा नाम भी सीक्रेट रहेगा। तुम्हारा नाम होगा 18.11। 18.11? ये सीक्रेट कोड नेम है जो असली है। सर, समझा नहीं मैं। अरे बरखुरदार, ABCD की अल्फाबेट भूल गए क्या? 18 की अल्फाबेट क्या है? आर। और 11 का? के। आर के मतलब रिहाल खान। ये तुम्हारे ही तो नाम है। एक और बात, जब तक ये मिशन 3 सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अपनी फैमिली और दुनिया वालों से छुपके रहना पड़ेगा। सर, मैं अपने देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। और तुम डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में रहोगे और इसके लिए तुम अपना ये सीक्रेट कोड नेम इस्तेमाल करना। ओके? ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूं। मिस्टर गोगोई। यस सर। रिहाल खान टेररिस्ट नहीं है। ओके सर। उसे सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ही डिप्यूट किया है। आप सरकारी गवाह बनकर उसे अदालत से तुरंत रिलीज कराएंगे। ओके सर। ओके। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिहाल खान निर्दोष है। रिहाल खान ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों को खत्म किया है। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने रिहाल खान की मदद लेकर वर्ल्ड सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कैप्टन रैक को श्रीलंका की घाटियों से गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश 25 देशों की पुलिस पिछले कई सालों से कर रही थी। कैप्टन रैक को दुनिया में आतंक फैलाने और हजारों बेगुनाहों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। रिहाल खान ही वो शख्स है जिन्होंने बम डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर बनाकर ह्यूमन लाइफ सेफ्टी की दिशा में एक महान योगदान दिया है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से रिहाल खान का आभार प्रकट करता हूं और उन्हें तमाम जुर्मों के इल्जाम से बाइज्जत बरी करता हूं। देवी और सजनों, ये टेररिज्म जो आजकल सारी दुनिया में फैला हुआ है, ये बिल्कुल एक कैंसर की तरह है जो चुपके से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सारे जिस्म पर काबू पा लेता है। लेकिन अगर इस कैंसर को हम सही वक्त और शुरुआत में ही दबा दें तो हम इससे बच सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे नौजवान को पेश करूंगा जिसने अपनी लियाकत, अपनी तालीम, अपनी बहादुरी और अपनी साइंस की खोज और वक्त की इंजीनियरिंग खोज से एक बहुत ही मामूली और एक बहुत ही कॉमन मोबाइल फोन के जरिए एक ऐसा करिश्मा पैदा किया है कि हम आइंदा टेररिस्ट के बारे में जहां जहां बॉम्ब प्लांट होंगे उसके बारे में हमें जानकारी एकदम मिल जाएगी, जिससे तमाम दुनिया में अमन व अमान होगा। ये एक बहुत ही बहादुरी का कारनामा है और इस कारनामे के लिए हमारी भारत सरकार ने इस नौजवान को भारत गौरव का अवार्ड दिया है। मैं अब दिगंबरम जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने हाथों से
इस इनाम को हमारे हीरो आज के श्री रिहाल खान को दें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you, sir. Well done, my brother. Well done. Thank you. Congratulations. Thank you, ladies and gentlemen. आज भारत सरकार ने जो मुझे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है उसका हकदार मैं नहीं हूं, उसका असली हकदार वो नौजवान है जिन्होंने मिशन 3E को कामयाब करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और बहुत सारी कठिनाई उठाई। आज मैं ये अवार्ड उन नौजवानों को समर्पित करना चाहता हूं। जय हिंद। जय हिंद। चांद पर जमाए कदम, अंतरिक्ष में भी पहुंचे हम, पर इंसानियत का दम घूंटता आतंक नजरअंदाज कर गए हम। आखिर क्या बना के इस दुनिया को दूं? मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूं।